हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, जिसमें हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी प्रयास में हम लोग लेने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी इसे हिंदी में आवश्यक वस्तु अधिनियम कहा जाता है। ये जो भी पेंडेमिक समय गया, यानी कोविड वाला जो समय गया था, लॉकडाउन वाला जो समय गया था, इस दौरान एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत सरकार द्वारा अनेक प्रकार के निर्णय लिए गए थे। उस दौरान भी ये कानून बड़ी चर्चा में था। इसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवश्यक वस्तु यानी हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, एसेंशियल होती है। और ऐसी वस्तुओं का अनेक लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो ऐसी वस्तुओं से व्यापार करने वाले जो लोग हैं, वो इस वस्तुओं को क्या कर देते हैं, हॉर्डिंग करते हैं, जिसको आपने जमाखोरी सुनी होगी, जमाखोरी या कालाबाजारी करते हैं, मतलब उसको हाई प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे बेचने लग जाते हैं। और रोजमर्रा की ये जो आवश्यक वस्तुएं, इनके भाव बढ़ जाते हैं और जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन तक आवश्यक वस्तु नहीं पहुंच पाती। इसको लेकर सरकार ने ये कानून बनाया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके अंतर्गत सरकार को ये शक्ति होती है कि वो किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करके उसके वितरण पे, उसके प्रोडक्शन पे, उसके सप्लाई पे, उसकी डिमांड के ऊपर बहुत सारे नियम कायदे बनाए जा सकते हैं, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो। इस कानून को समझते हैं, आइए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कानून का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, कमोडिटीज का मतलब होता है वस्तु, यानी इसको हिंदी में कहेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। जैसा कि हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में, इन एवरी पर्सन लाइफ, यानी हर आदमी के जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में आती है, जिसे हम समझें कि दो प्रकार की वस्तु है। अगर हम भोजन और फर्नीचर, अगर इन दोनों को सामने रखें तो हमारे लिए ज्यादा आवश्यक, सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए ज्यादा आवश्यक भोजन हो जाएगा। यदि हम दो वस्तुओं रखें, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक, तो हमको कपड़े आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि कुछ वस्तु होती है जो जीवन के सर्वाइवल के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए आवश्यक होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, इन्हीं वस्तुओं को आवश्यक वस्तु कहा जाता है, क्योंकि दीज आर एसेंशियल यूज इन डे टू डे लाइफ। और एक ऐसी वस्तु होती है जो डे टू डे लाइफ, यानी रोज की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या के लिए ऐसी वस्तुएं इंपॉर्टेंट होती है। अब ये दो सामाजिक कुरीतियां प्रचलन में होती है, इकोनॉमिक ऑफेंस भी होते हैं, आर्थिक अपराध भी है। पहला है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु को जैसे ही बाजार में आती है तो सारी वस्तु अपने पास क्रय कर लेता है, और क्रय करने के बाद फिर उसे ऊंचे दामों में बेचता है, जिसको हम ब्लैक बोलते हैं, इन्हें ब्लैक मार्केटिंग, इसको हिंदी में कालाबाजारी बोलते हैं। एक आर्थिक अपराध है, सामाजिक अपराध भी है। एक है होर्डिंग। होर्डिंग मतलब जमाखोरी। अनेक ट्रेडर्स जब किसी वस्तु का यदि भाव बढ़ने वाले होते हैं, तो पहले से ही उस वस्तु को जमा करके अपने गोदामों में, गोडाउन्स वगैरह में स्टॉक कर लेते हैं। तो स्टॉक की लिमिट भी एसेंशियल कमोडिटी बताता है कि इससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं करेंगे, लेकिन अनेक लोग स्टॉक कर देते हैं ताकि जब भाव बहुत महंगे हो जाएं तब वो उसको ऊंचे दामों पे रिलीज करें, इसको जमाखोरी कहा जाता है। इसी को ही जमाखोरी ने होर्डिंग बोलते हैं। ये दोनों सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है। और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो हम समझने वाले हैं, वो इन दोनों को, दोनों ही कुरीतियों को निशाना बनाता है, मतलब इन दोनों कुरीतियों को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना है। अब देखें गवर्नमेंट का रोल। देखिए गवर्नमेंट जो है, इन एसेंशियल वस्तुओं की जो प्राइसिंग है, मतलब इनका जो मूल्य है, वो मूल्य निर्धारित कर सकती है। डिमांड यानी इनकी जो मांग है, उस मांग को देखते हुए उसके सप्लाई के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी नियम बना सकती है। तो सरकार को ये शक्ति देने वाला कानून है, यानी सरकार एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस यानी मूल्य, उसके वितरण के ऊपर नियम बना सकता है। और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लाया गया, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम इस वजह से लाया गया। हम लोगों ने देखा है जब डिफेंस कानून, जो हमारे पहले, इस कानून के पहले एक डिफेंस एक्ट लगता था। डिफेंस एक्ट का तात्पर्य था जब कभी भी देश पे यदि कोई युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध के समय अनेक वस्तुओं को सरकार अधिग्रहित कर सकती है। देखा जाए तो इसकी जो रूट्स है, इस कानून का जो रूट है, वो इसी डिफेंस एक्ट से हमको मिलते हैं। अभी हम लोगों ने पेंडेमिक के एरिया में, महामारी के समय देखा कि सरकार ने जो मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स थे, इसको भी आवश्यक वस्तु के अंतर्गत घोषित किया, क्योंकि मास्क और हैंड सैनिटाइजर महामारी को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसीलिए इन्हें आवश्यक वस्तु के तहत घोषित किया गया कि कोई व्यक्ति इसका स्टॉक नहीं करेगा
और इसका कोई प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट स्टॉक होल्डिंग पर रोक लगाता है कि कोई व्यक्ति स्टॉक होल्डिंग नहीं करेगा, स्टॉक में नहीं रखेगा सामान। उस स्टॉक होल्डिंग की लिमिट फिक्स कर दी जाती है और सर्टन पीरियड कुछ वस्तुओं के लिए कुछ समय निर्धारित कर दिया गया कि इस समय तक ये वस्तु आवश्यक वस्तु घोषित हो गई है। अब कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जो आवश्यक वस्तु ही घोषित की गई, आइए उनको समझते हैं। द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, यानी ऐसी कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं जो कि यूं ही आवश्यक घोषित है, यानी इसके बारे में तो स्टॉक कर ही नहीं सकते हैं और इसका पूरा कंट्रोल जो है सरकार के हाथ में होता है, यानी इसकी प्राइसिंग, इसका सप्लाई, ये सब सरकार के हाथ में। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हम बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, तो जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद है ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल हो पाएंगे। फूड आइटम में से कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, जैसे हम शुगर केन की बात करें, शुगर की बात करें, शक्कर, पल्सेस की बात कर ले, दालों की बात करें या ऑयल सीड्स की बात करें, तो इस प्रकार तिलहन वगैरह जो होते हैं सब सरकार के कंट्रोल में आएंगे। इसकी प्राइसिंग, ये एसेंशियल कमोडिटीज है। जूट टेक्सटाइल जो होती है, कॉटन सीड्स वगैरह, ये भी एसेंशियल कमोडिटीज है। फर्टिलाइजर, किसान हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों को उर्वरक खाद की जरूरत होती है और ये उर्वरक खाद को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके अलावा ये कानून कहता है कि जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा या स्टॉक कर देगा ऐसे एसेंशियल वस्तुओं का, जमाखोरी अथवा ब्लैक मार्केटिंग करेगा, उसे 7 साल तक की सजाएं अथवा जुर्मानों से भी दंडित किया जाएगा। तो ये कानून पीनल प्रोविजंस भी देता है, मतलब दांडिक प्रावधान भी ये कानून बताता है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यदि किसी व्यक्ति को हायर प्राइजेस में, मतलब ज्यादा कीमतों पर, ऊंची कीमतों पर यदि आवश्यक वस्तु मिल रही है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी सरकार द्वारा जारी किए गए। मतलब यदि आपको हाई प्राइसिंग पे इसेंशियल कमोडिटी कोई व्यक्ति विक्रय कर रहा है तो आप उस मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, उस ट्रेडर के खिलाफ यू कैन मेक दी कंप्लेंट, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये था मित्रों एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एक छोटा सा परिचय। अगले लेक्चर में मैं आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के डीप में, यानी उसका अंदर जो एक्ट का स्ट्रक्चर है और विभिन्न कानूनी प्रावधान किस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, लेजिस्लेशन ने किस प्रकार से कानून बनाया है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के इंट्रोडक्शन पे था। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।